जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मान जदी टीचर्स ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करना आंदी तबे निश्चय सब्सक्राइब करंतु। हेलो फ्रेंड्स आसंतु गोटे गुरुत्वपूर्ण चिट्ठी जहाँ कि समस्त सरकारी चाकरिया राज्य सरकारी चाकरिया मानक पई गोटे खुशी खबर जोटा कि एनपीएस अंडर रे जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम थिला जितेबेले सरकारी चाकरिया मानकर कंट्रीब्यूशन थिला 10% तांको बेसिक सैलरी रो एवं गवर्नमेंट कौन करथिला 10% निजे डिपॉजिट करथिला जोटा कि पछरे बा चाकरी रिटायर्ड परे बा रे सुपर अनुशासन परे ताकु पाउथिले आज पेंशन किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट रे थिला 14% बोथ साइड कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन थिला 14% एम्प्लॉय दउथिले 14% एवं गवर्नमेंट दउथिला 14% तेणु से ही कथा को राज्य सरकार लगे इम्प्लीमेंट कर जोटा कि बहुत बड़ा खुशी कथा जे पेंशन अमाउंट निहत भाव में बढ़ीज अर्थ 10% 14% होगा मानने तार 4% बढ़ीगला मानने के बड़ कथा जहाँ 10% रु 14% होगा अर्थ 40% बढ़ीगला तेणु पाखापाखि 40% बढ़ीगला जोटा कि बहुत बड़ कथा पेंशन अमाउंट निहत भाव में अधिक मिल जितेबाड़ आप रिटायर करेंगे 40% आप विथड्रॉल करेंगे 60% रोक जोटा आप आनुईट हिसाब से पाइबे से निश्चित भाव आपण अमाउंट बढ़ी तेनालीटा गोटे निहत भाव खुशी खबर तेणु आसम से ही मर्मरे चिठीटी 27/2021 चिठी नंबर 29478 गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फाइनेंस डिपार्टमेंट चिठीटी कौन लिखी आसतु विशद भाव आलोचना करवा लिखे ऑफिस मेमोरेंडम ड्रॉयल एंड रेमिटेंस ऑफ मंथली गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन आट द रेट ऑफ 14% एंड ड्रॉयल ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट अराइजिंग ड्यू टू द एनहांसमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 10% टू 14% विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019 इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन स्कीम तो नेशनल पेंशन स्कीम आम एनपीएस आम कहे से जो 10% 14% होगा तेणु कौटू ये लागू है ना 1/4/2019 ता पूर्व जहाँ डिपोजिट हो जाए कि 1/4/2019 रु 10% रु 14% करागला केमी जो डिफरेन्सटा के रेमिटेंस हम कि विथड्रॉल हम से विषय चिठी द स्टेट गवर्नमेंट हाव एनहांस्ड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 10% टू 14% इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम विथ इफेक्ट ऑफ 1/4/2019 बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन 28/4/6 डेटेड 11/10/2021 तेणु गवर्नमेंट एनहांस कर 10% 14% जोटा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट चिठी नंबर एटा द मोडालीटीज फर विथड्रॉल ऑफ रेगुलर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड डिफरेंशियल अमाउंट अराइजिंग ड्यू टू एनहांसमेंट इन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 10% 14% विथ एफेक्ट 1/4/2019 साल बी एज फॉलोज केमी से भर जा मोडालीटीज कौन जोटा 14% हो जाए तो 4% सर्टेज केमी भर जा ड्रॉप रेगुलर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन केमी ड्रॉल अफ कहे एचआरएमएस हाज बीन कस्टमाइज टू आकोमोडेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एट द 14% वाइल प्रिपेयरिंग द एनपीएस शेड्यूल इन रेस्पेक्ट ऑफ द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अक्टोबर 2021 एंड ऑनवर्ड्स बाय द ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट तेणु एचआरएमएस ऑलरेडी 14% कणी जाइए ना कस्टमाइज होती वेबसाइट में सहीटा टीडीओ मानक अक्टोबर 21 ऑलरेडी काम चलना जो 14% विल बी डिडक्टेड ऑटोमेटिकली अर्थ फ्रॉम दिस मंथ तापर नेक्स्ट आसला द सैलरी बिल ऑफ एन एम्प्लॉई मे कंटेन रिकवरी ऑफ एरियर एनपीएस कंट्रीब्यूशन इन इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विथ रेगुलर मंथली कंट्रीब्यूशन तेणु जो मैंने एम्प्लॉई 1/4/19 जो इम्प्लीमेंट ला जो एम्प्लॉई मानकर रहीगला बाकी पैसा एरियर रहीगला ताकू केमिति आनिबे ना कंट्रीब्यूशन इन इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विथ रेगुलर जोटा आगर करूछी तादर ई जो 4% रहला ताकू रेगुलर इंस्टॉलमेंट आनिबे एट प्रेजेंट HRMS does not have the facility to ascertain the rate of a government contribution 10-40% in respect of the arrear NPS installment as the arrear period has not been captured previously. Then arrear period of capture hai ni, then HRMS jo setre add kar ni je 4% kemiti recovery hoba. HRMS is now in the process of developing the facility to insert time period of arrear recovered the installments at the level of DPO of the establishment. Bachan HRMS re kaam chalchi जे ऑटोमेटिकली केमी सेटा कटिबो केते टंका एरियर बाबत रे कटिबो कारण जे सेमान पर एरियर पीरियड नथिला देन दे आर अंडर प्रोसेस फर्दर एचआरएमएस विल आल्सो डेवलप फैसिलिटी टू अपलोड अप्रूवल ऑर्डर ऑफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगेंस्ट द ट्रायल ऑफ एरियर ऑफ एनपीएस कंट्रीब्यूशंस अंटिल डेवलपमेंट ऑफ सच फैसिलिटी इन एचआरएमएस द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन शैल बी एट द रेट ऑफ एक्जिस्टिंग 10% इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन
रिकवरी इनस्टलमेंट फर एरियर एंड पीरियड ड्यूरिंग प्रिपेरेसन सैलरी बिल फर द मंथ अक्टोबर 2021 अनवर्ड्स। जदि डीडीओंकर आप्रुवाल नाही बा नाही 14th नंबर आपले ताले से 10% हिसाब रे मध्ये चालिबो। द एनपीएस सेल द डायरेक्टरेट ऑफ टीचर्स एंड इंस्पेक्शन ओडिशा भुवनेश्वर डीटी शैल रिमेन ए रेमिट द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अलोंग विद द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयज एज पर द एग्जैक्ट एक्सटेंट प्रोसीजर। जहाँ प्रोसीजर अच्छी जोड़ा आमर स्टेट गवर्नमेंट और ट्रेजरी जोड़ा से कलेक्शन कर 14% 14% रॉयल ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन आर एज ड्यू टू इट्स एनहांसमेंट फ्रॉम 10% 14% फ्रॉम एक्चुअल कौन एटा कोई द रॉयल एंड रेमिटेंस ऑफ डिफरेंशियल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन अमाउंट शैल बी डन बाय एनपीएसएल अंडर डिफरेंट सिनेरियोज एज मेंशन बिलो। केमिति से उठि हबो केमिति हबो एनपीएस सिस्टम रे ता सिनेरियो कोन कोन आसन देखिबा। द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ monthly contributions already made by employees from April 2019 to September 2021 shall be assented by the NPSL based on the information received from the HRMs। bujhi pale April 2019 ru September 2021 parjanta eta la arrear period kan already October 2021 helani sei period ro jo 4% arrear hela sei mane sei gudiko government employees mane paibe tenu sei ta kon hobo the differential amount of government contribution respect of मंथली कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी मेड बाय एम्प्लॉयज फ्रॉम April 2019 टू September 2021 ऑलरेडी दे सारे आम 10% समझ तेनालीटा केमी कर आकर्डिंगली एनपीएस सेल शाल ड्रॉ द डिफरेंशियल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड शाल टेक् नेसेसरी स्टेप्स फॉर रेमिटेंस ऑफ दैट डिफरेंशियल अमाउंट टू द कंसर्न पेंशन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर एनपीएस। तेणु यहीटा एनपीएस सेल बर्तमान काम हो गला गवर्नमेंट रू 4% जी पैसा से क्या देदेव ना पर्सनल अकाउंट प्रान जो आम कह पर्सनल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर से डिपोजिट करेंगे। सिनेरियो टू इन केस इन सम केस अलोंग विथ रेगुलर मंथली कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन फॉर द एरियर पीरियड माइट हैव बीन रिकवर्ड इन इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द सैलरी मंथ फ्रॉम April 2019 टू September 2021 फॉर सच रिकवरीज द डिफरेंशियल अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन शैल बी असेंटेड बाय द फॉलोइंग गाइडलाइंस। जदि से नदे जी नदे कौन हम ना कैटेगरी इन इफ बोथ द डेट ऑफ जॉइनिंग एंड द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रेगुलर मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एम्प्लॉई आर प्रायर टू April 2019 रु पूर्व रही शुणु यहाँ भेरी इंपोर्टेंट इफ बोथ द डेट ऑफ जॉइनिंग एंड द डेट ऑफ कमेंसमेंट रेगुलर मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एम्प्लॉई आर प्रायर टू 2019 देन द एम्प्लॉई विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट एनी डिफरेंट अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज और कंट्रीब्यूशन फॉर द एरियर पीरियड इफ रिकवर्ड फ्रॉम द सैलरी ऑफ April 2019 टू September 2021। जदि तार से 2019 पर आवश्यक नहीं कारण से अनुसार हम टू गेट एनी डिफरेंशियल अमाउंट रेस्पेक्ट ऑफ हिज हर कंट्रीब्यूशन फॉर द एरियर पीरियड इफ रिकवर्ड फ्रॉम देयर सैलरी ऑफ April 2019 जदि तक किसी आवश्यक नहीं। कैटेगरी टू इफ द डेट ऑफ जॉइनिंग एंड द डेट ऑफ कमेंसमेंट रेगुलर मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एम्प्लॉई आर आफ्टर 2019 जदि एमती बेल हुए जॉइनिंग रेगुलर हो जाए पुणी कंट्रीब्यूशन बहुत दिन लगे बहुत आपने देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई बा शिक्षक मान के बहुत हुए देन द एम्प्लॉई विल बी एलिजिबल टू गेट डिफरेंशियल अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज और कंट्रीब्यूशन फॉर एरियर पीरियड इफ रिकवर्ड फ्रॉम द सैलरी ऑफ April 2019 टू September 2021। इन दिस रिगार्ड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एचआर द एनपीएसएल डीटीआई विल असर्टेन द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड विल लिमिट इट टू रिस्पेक्टिव पेंशन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉई कवर्ड अंडर एनपीएस। ताले कोनो जदि तार किसी रही जाए कौन गवर्नमेंट एम्प्लॉई एरिया हिसाब से गवर्नमेंट दबा 4% हिसाब से। कैटेगरी 3 इन केस द डेट ऑफ जॉइनिंग ऑफ द एम्प्लॉई इज प्रायर टू एक्चुअल जॉइन द एक्चुअल 2019 प्रूफ जॉइन के जॉइन डेट ऑफ कमेंट इज रेगुलर मंथली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सैलरी मंथ April 2019 देखी अनवर्ड्स देन द रेट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन द एरियर एनपीएस इंस्टॉलमेंट इफ रिकवर्ड फ्रॉम द सैलरी ऑफ April 2019 टू September 2021 शैल बी असेंटेड एज फॉलोज। जदि से कौन है द डेट ऑफ जॉइनिंग ऑफ द एम्प्लॉई प्रायर टू एक्चुअल 2019 एंड डेट ऑफ कमेंट इज रेगुलर मंथली कंट्रीब्यूशन फॉर फ्रॉम सैलरी मंथ April 2019 तार दरमा मध्य से April 2019 रही है और अनवर्ड्स देन द रेट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कौन हम ना एगेंस्ट द एरियर एनपीएस इंस्टॉलमेंट इफ रिकवर्ड फ्रॉम देयर सैलरी ऑफ April 2019 टू September 2019 शैल बी असेंटेड एज फॉलोज। केमी के रिकवर कर एग्जांपल सपोज डेट ऑफ जॉइनिंग ऑफ एन एम्प्लॉई 12/10/18 जॉइन कर सैलरी मंथ फ्रॉम व्हिच हिज रेगुलर एनपीएस कंट्रीब्यूशन स्टार्टेड ना September 2019 तार आरंभ है 12/10 से जॉइन कर September 2019 कौन है ना एनपीएस कंट्रीब्यूशन आरंभ है सो हिज एरियर पीरियड फॉर व्हिच ही हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड इज फ्रॉम November 2018 टू August 2019 आपन चिंता करते कथा सो हिज एरियर पीरियड फॉर व्हिच कहीं से ये कंट्रीब्यूशन स्टार्ट September 2019 कर
हिज एरियर पीरियड अफर हुई हि हाज नट कंट्रीब्यूटेड फ्रम नवेम्बर 2018 रु अगस्ट 2013 मासे से देना यार अर्थ हूँ जदि से एप्रिल 2019 पूर्व जॉइन करछन्ति एरियर रही से एरियर गुड़िक 10% हिसाब से जीवन एवं जिते बड़े एप्रिल 2019 पर्यंत सरीगला तापर एप्रिल 2019 पूर्व के 14% हिसाब से हम कारण जेहेतु लागू हो नियम टी एप्रिल 19 रु तेणु एप्रिल 19 रे 14% कौन कैलकुलेशन ना पूर्व जिते जहाँ एरियर थी से 10% हिसाब आज द इंस्टॉलमेंट एंड द एरियर पीरियड फॉर व्हिच एम्प्लॉइज हैज कंट्रीब्यूटेड आर नॉट कैप्चर्ड इन एचआर एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर ईपीएस सेल टू आस्क द एग्जैक्ट डिफरेंशियल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन तेणु सब गुरुत्वपूर्ण कथा होती जो डीडीओ रही है से भल भाव करवा कथा से जो अकाउंटेंट ऑफिसर रहे भूल भटका होगा एम्प्लॉयर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर भटका भूल हो पाए इन संस्कृत प्रपोजल फॉर इन डिफरेंशियल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन शैल बी इनिशिएटेड बाय द डीडीओ जदि कौट रहा डिफरेंशियल अमाउंट डीडीओ ड्रॉइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर जी थे आप मनकर टीचर लेवल डीओ कि डीओ हो पारती से कमटा करर्थ तार्थ ये चिठीर सारा कथा यहाँ जे गवर्नमेंट 14% दब किंतु एप्रिल 2019 रु 10% जार जिते एरियर था 10% कैलकुलेसन हम ये एम्प्लॉयर 10% कटा समय गवर्नमेंट दब 10% किंतु एप्रिल एक एप्रिल 2019 पर समस्त 14% हम जी दे 4% पुणी रिकवर करेंगे से अनुसार केते इनस्टलमेंट के कौन हम सहीटा अलरेडी रिपोर्टिंग करेंगे एचआर एम एस से अनुसार कौन हम ना आपंकर प्लान में पैसा कटो जहाँ कटुची से अनुसार ताकू कि अधिक कटो एक्जिस्टिंग जहाँ 10% कटाला प्लस 4% तेनाली भाव में यह गोटे भल खबर कारण स्टेट गवर्नमेंट में जिते बड़े 10% था सेंट्रल गवर्नमेंट 14% सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिट पाते जितने रिटायर्ड होते अधिक दरमा पाते तेना यहाँ गोटे निहत भाव में खुशी खबर तेनाली चिठीटा को समस्त नजर देते निजर डिफरेंशियल अमाउंट के कैलकुलेशन कर निज हिसाब से नजर रखि थे ठीक अच्छे आशा आपको ये वीडियो निहत भाव में हेल्प कर एवं टीचर स्टेप सब्सक्राइब करना निहत भाव सब्सक्राइब करते यहीपरी समस्त समस्या समाधान आपण निकट में पहुँच। थैंक यू।